सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वैसे मोबाइल फोन्स को चार्ज करना इतना मतलब कुछ ऐसा कूल होता नहीं है, लेकिन एप्पल ने जब से इंट्रोड्यूस किया मैग सेफ आईफोन 12 के साथ, तो भैया वो जो कूल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ पर दोस्तों ये है हमारे पास में लेटेस्ट एप्पल की तरफ से मैग सेफ डुओ, मतलब एक साथ कूल इंटू टू आईफोन और एप्पल वॉच को हम दोस्तों चार्ज कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं दोस्तों हमसे बात करता हूं इसी मैगसेफ डुओ चार्जर के बारे में। कीमत इसकी बहुत ज्यादा है, देखते हैं आखिर की कैसा है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और चार्जिंग का पूरा सिस्टम कैसा है इसी मैगसेफ डुओ चार्जर के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में एप्पल का मैग सेफ डुओ चार्जर। यहाँ पे दोस्तों सामने है एक झलक इसी डुओ चार्जर की। बॉक्स के पीछे कुछ और डिटेल्स हैं दोस्तों इसी मैग सेफ डुओ चार्जर की फंक्शनैलिटी के बारे में, जहाँ पे हमें चार्ज ब्रिक जो है वो अलग से परचेज करनी होगी। फिलहाल दोस्तों खैर मैं करता हूँ यहाँ पे जल्दी से इसकी सील ब्रेक, और आप कर दो पूरी पावर से लाइक और शेयर बटन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब। तो खैर दोस्तों यहाँ पे लिड को साइड करते ही सबसे पहले रखा है हमारे पास में यही मैग सेफ डुओ चार्जर। हमारे पास में है इसी फिनिश में, और जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो डेफिनेटली बहुत सही लग रही है और काफी प्रीमियम भी है, जहां पे हम बड़े आराम से इसको खैर फोल्ड भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों है यहां पे ये एक डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया वाला सेक्शन, जहां पे अंदर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और फाइनली है ये एक USB-C to लाइटनिंग चार्ज केबल। वैसे चार्जर जो है वो हमको दोस्तों अलग से परचेज करना होगा। अगर हम दोस्तों खैर देखते हैं यहां पे फिजिकल और व्यू को, तो इसकी प्रोटेक्शन को अगर हम रिमूव करें तो कुछ ऐसा है दोस्तों यहां पे इसी का फर्स्ट लुक, जहां पे हम इसको मतलब दोनों साइड्स बड़े आराम से फोल्ड भी कर सकते हैं और ये काफी सॉफ्ट टच फीलिंग के साथ में आता है। जहां पे दोस्तों ये एप्पल का लोगो है और एक साइड में है ये मैगसेफ चार्जिंग मैकेनिज्म आईफोन 12 सीरीज के लिए, और एक तरफ दोस्तों यहां पे ये चार्जर है एप्पल वॉच के लिए। ऊपर की साइड में है ये लाइटनिंग पोर्ट, काफी स्लीक प्रोफाइल है, और बेसिकली दोस्तों ये जो फोल्ड होने के बाद में मतलब काफी छोटा हो जाता है, तो मतलब ट्रैवलिंग के लिए अगर बहुत ही कन्वीनियंट होगा। वैसे अलग से दोस्तों यहां पे हमारे पास में होना चाहिए या तो ये एप्पल का 20 वॉट आउटपुट वाला चार्जर, या फिर 27 वॉट या फिर उससे भी ज्यादा ताकत वाला चार्जर फुल चार्जिंग स्पीड्स के लिए। खैर अगर दोस्तों हम देखें स्टैंडर्ड मैगसेफ चार्जर को, तो खैर यहां पे ना मतलब आप देखेंगे कि एक साइड तो बिल्कुल मतलब काफी सिमिलर सी है इसी स्टैंडर्ड मैगसेफ चार्जर के कंपैरिजन में। और बात दोस्तों अगर हम करते हैं इसको कनेक्ट करने के बाद में चार्जिंग की, तो यार बड़े ही आराम से हम आईफोन 12 प्रो मैक्स और यहां पे मेरे दोस्तों एप्पल वॉच को एक साथ चार्ज कर पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहां पे आप खैर किसी भी दोस्तों ची इनेबल्ड डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो पुराने आईफोन्स हो या एयरपॉड्स या दोस्तों कोई और दूसरा फोन, और फोल्ड करने के बाद में मतलब एक बार में एक गैजेट को भी आप चार्ज कर सकते हैं बड़े आराम से। जहां दोस्तों बात करता हूं आउटपुट की, तो अगर आप यूज करते हैं 20 वॉट्स वाला चार्जर, तो इसका जो मैगसेफ का दोस्तों आउटपुट होगा वो होगा 11 वॉट्स, और अगर आप यूज करते हैं 27 वॉट्स या हायर, तो आपको दोस्तों मिलेगा 14 वॉट्स का आउटपुट। तो खैर मतलब दोस्तों यहां पे एकदम डिफरेंट सा ही आइटम है, लेकिन जो प्राइस है खैर वो भी ज्यादा है, जो कि दोस्तों इंडिया में है इस मैगसेफ डुओ चार्जर के लिए 13,900 रुपए। और इनफैक्ट खैर कन्वीनियंट भी है, जो दोस्तों फोल्डिंग डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है, और दो डिवाइसेस को हम एक साथ चार्ज भी कर सकते हैं, तो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए या नॉर्मल दोस्तों मतलब अगर हम बात करें डे टू डे यूज की, तो काफी अच्छा होगा। लेकिन खैर प्राइस भी काफी प्रीमियम है। आप खैर वीडियो को जल्दी से अभी काफी लाइक और शेयर करते हुए बताइए नीचे कॉमेंट में लिखते हुए आपकी मन की बातें क्या है इसी मैगसेफ डुओ चार्जर के बारे में, और मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।